हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज हमारे पास है ऑल न्यू टाटा कर्व 2024 का टॉप एंड वेरिएंट। टाटा कर्व ईवी है, आपकी आइस वाली नहीं है, ना कि पेट्रोल ना ही डीजल। ये ईवी है, जो ब्लू कलर आया नया वो है। व्हाइट कलर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ईवी का व्हाइट कलर अभी इतनी वीडियोस है नहीं। सामने खड़ा है वो, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगा, किसी की जा रही है, उसमें एसेसरीज लग रही है थोड़ी सी, वो भी साथ दिखा दूंगा। अभी इसका एक डिटेल बैकग्राउंड दूंगा, लास्ट में आपको कलर भी दिखा दूंगा। फटाफट गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये इसके पूरे कनेक्टिंग आपके DRLs हैं, और जो साइड वाले पार्ट है ये इसके LED इंडिकेटर्स हैं, जो DRLs बंद होते ही इंडिकेटर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। सेंटर में आपकी ये पूरी LED बार है, जो दोनों आपके इंडिकेटर्स और DRLs को फ्रंट के ज्वाइन करता है। और ये चार्ज होते टाइम भी आपको दिखाता है कि गाड़ी की परसेंटेज कितनी है, वो भी मैं आपको व्हाइट वाली में दिखाऊंगा, चार्ज हो रही है। ये इसका चार्जिंग का पॉइंट है, अंदर आपको बटन मिल जाता है, उससे ये ओपन या क्लोज आप कर सकते हो। और नीचे की बात करें, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प्स, LED हेडलैम्प्स इसमें आपको यहाँ मिल जाते हैं। ऊपर आपका प्रोजेक्टर है, नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, नीचे आपके लिए फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं कंपनी ने, दो प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हैं, और ये आपके सारे LED। पियानो ब्लैक फिनिश आपको पूरे फ्रंट में आपको मिल जाती है यहाँ पे भी, और विद क्रोम फिनिश आप देख ही सकते हो। फ्रंट में आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है, 360 कैमरा भी मिल जाता है गाड़ी में। अडास भी आपको मिल जाता है Level 2, ऊपर आपको उसका रेडार मिल जाता है, सेंसर मिल जाता है, नीचे रेडार है। और टाटा का लोगो आपने देख ही लिया, ईवी कार्स के लिए अलग लोगो है और नॉर्मल कार्स के लिए अलग है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सेम यूनिट आपको मिल जाती है। फ्रंट में मिलेंगे आपको इसमें दो पार्किंग सेंसर, एक यहाँ है एक यहाँ है, और फ्रंट की लुक आप कुछ ऐसी देख ही सकते हो, आपको ऑफर कंपनी कर देती है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो रूफ से स्टार्ट करते हैं। रूफ पे आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है, जो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और बाकी जो रूफ का कलर है वो पियानो ब्लैक में ही है। वैसे रूफ का ग्लास ब्लैक हो गया, आपका सनरूफ ग्लास, और ये रूफ भी ब्लैक। ये आपका स्पॉइलर आप इसे नहीं कह सकते, पर अलग से कंपनी ने दिया, लुक अच्छी देता है। कलर ये वही ब्लू वाला मैंने आपको बताया ही था। ओरियंस आपको मिलेंगे इसके हैरियर और सफारी में, जो ओरियंस आते थे वही वाले। 360 कैमरा है, तो यहाँ पे आपको कैमरे की यूनिट मिल जाती है। अडास के लिए आपको यहाँ पे ब्लाइंड व्यू पॉइंटर है, वो भी मिल जाता है, अंदर आपको वो बीप करता रहेगा। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको और भी मिलेंगे हर वेरियंट में। और जो विंडो क्रोम गार्निश है, क्रोम नहीं है इसमें, इसमें पियानो ब्लैक में आप देख ही सकते हो। बी पिलर आपका ब्लैक आउट है, सी पिलर पे कुछ नहीं है, ना ही ए पिलर पे है। चारों के चारों डोर हैंडल्स आपको इसमें जो पॉप वाले होते हैं ऐसे आपको मिल जाते हैं, पर एक्सयूवी स्टैंडर्ड में तो हम ऐसे दबाते थे, वो बाहर आता था, इसमें यहाँ दबाना है उसके बाद खोलना है। जैसे मैं आगे वाला दिखाता हूँ, ऐसे मैंने दबाया और ये खुल गया, ठीक है जी। तो चारों के चारों डोर हैंडल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, और इसमें आपको ये लाइट्स भी मिल जाएंगी जो भी ऑन हो गई हैं। अब टायर साइज़ की बात करें, तो ये अलॉय व्हील्स हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बाकी टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी थोड़े गंदे लग रहे होंगे। साफ गाड़ी के भी दिखा दूंगा मैं आपको। 215/55R18 के अंदर साइज़ है, गुडियर की कंपनी टायर ऑफर कर रही है, काफ़ी अच्छी बात है। चारों के चारों को इसमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, आगे भी दो डिस्क हैं और पीछे भी आपकी डिस्क ब्रेक्स हैं, ओके। अब साइड प्रोफाइल कवर हो चुकी है, आ जाते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। धूप में कलर अलग अलग जगह से अलग अलग शेड दे रहा है, जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ अलग है, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ अलग है। बाकी रेयर में स्टार्ट करें, साफ एंटीना मैंने आपको दिखाई दिया, ये पार्ट भी आपको मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें रेयर डिफॉगर, ये आपका पूरा टेल लैम्प का कंसोल है, कंसोल क्या जो भी है। बाकी यहाँ पे आपके इंडिकेटर में ये चलता है, और इसके आगे फिजा, और ये पूरा आपका बार हो गया, ये ब्रेक लाइट हो गई छोटी सी, टाटा का लोगो, ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 कैमरा पे भी वही यही वर्क करेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर में भी वर्क करेगा और DRL में भी वर्क करेगा। बाकी लाइट्स मैं आपको अभी ऑन करके दिखा दूँ। कर्व ईवी की आपको बैटरी मिल जाएगी, Curve.EV ब्लैक कलर में, और उसका इलेक्ट्रिक टेलगेट भी इसमें आपको मिल जाता है, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। रेयर बम्पर पर आपको दो डमी रिफ्लेक्टर्स और ऊपर रिवर्स लाइट्स हैं, और दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बाकी पूरा रेयर बम्पर पियानो ब्लैक फिनिश में, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पूरी गाड़ी की जितनी भी क्लैडिंग्स हैं, जो और कॉम्पिटिशन में कारी क्रेटा सेल्टॉस ग्रांडर सब आपके एलिवेट हो गई, सब आपको मैट ब्लैक देती हैं, जो आपको कुछ टाइम बाद वाइट हो जाते हैं पॉलिश कर करके। ये पियानो ब्लैक है, बस एक बार कोटिंग करा लोगे तो लाइफ टाइम आप टेंशन फ्री रहोगे, उसके बाद बाकी सोल्स तो फिर भी दिखेंगे। DPF करानी पड़ेगी तो थोड़े सोल से आप बच जाओगे, बाकी तो यही है। नीचे आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है थोड़ी, और बाकी आपको कोई भी गाड़ी लेनी हो तो आप Tata.EV सेक्ट गुड़गांव, आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा, सोनर Tata.EV सोना रोड पे ये वाला, इनके आपको लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको बेस्ट डील चाहिए होगी आपको इनसे मिल जाएगी, हमने भी इनसे अभी Tiago ली थी लास्ट मंथ। और यहाँ पे आपको Tata.EV की बैजिंग दोनों फ्रंट डोर्स पे भी मिल जाएगी। बाकी वीडियो से जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, फटाफट फरीदाबाद निकलना है, और वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी कहीं भी बड़े दिनों से। तो अब बाहर से हम पूरी गाड़ी कवर कर ही चुके हैं, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो ये है ड्राइवर साइड डोर, क्रोम डोर हैंडल जो नेक्सॉन वाला है, सेम चारों पावर विंडोज से कंट्रोल, हमारी Tiago में भी सेम। ये आपके पावर विंडोज का लॉक, ये ऑरियंस एडजस्ट करने का है इलेक्ट्रॉनिकली, और फोल्ड अनफोल्ड भी इसी से हो जाते हैं, ऐसे हम प्रेस करेंगे तो। एक मिनट अंदर बैठ के दिखाता हूँ, गाड़ी ऑफ है, बाकी इसी से ऑफ बंद होंगे। टॉप एंड वेरिएंट कैसे नहीं होंगे,
यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बोटल होल्डर, ये बड़ी बोटल आप यहाँ रख सकते हो, छोटी वगैरह आप यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ट्विटर की प्लेसमेंट, नीचे स्पीकर की JBL के, इसमें आपको स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ पे JBL की आपको पैकिंग मिल जाएगी। ड्राइवर साइड सीट इलेक्ट्रॉनिकली हाइट एंड बैक एडजस्टेबल है, और वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिल जाती हैं, फ्रंट टू उनके कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर साइड सीट की बात हो गई, डोर की बात हो गई, अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। सीट बहुत नीचे थी, चलो तो आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड। तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जो कंपनी ने सफारी वाला ही ऑफर किया है, एक बार चलो छोड़ो, ये इसका स्टीयरिंग व्हील जो कंपनी ने सफारी वाला ऑफर किया है, सफारी और हैरियर वाला सेम, और आपका वही, और उसमें चलो कलर जो कलर्स हैं ये चेंज कर देंगे, ये लेदर राइट में दिया है और लाइट एल ग्रे कलर शेड दी है, ये आप थोड़े से इसको बेज कलर ले सकते हो, आइवरी जो इन्होंने नेक्सॉन में भी दिया था, गंदा बहुत होता है देख लो, अभी भी हर जगह निशान आ रहे हैं थोड़े थोड़े, उस हिसाब से थोड़ा ये मेंटेनेंस ज़्यादा मांगे। बाकी यहाँ टाटा का लोगो इल्यूमिनेट होगा जैसे मैं अभी ऑन करूँगा। पार्किंग ब्रेक अलर्ट, ब्रेक पार्क ब्रेक अप्लाइड, तो ऑन तो हो जाओ मैडम। तो कुछ इस तरीके से इसकी एनिमेशन आती है, एसी आप कर दें जी ऑफ शट अप। उसके बाद अब ये आगे आपका सेंटर कंसोल, टाटा का लोगो यहाँ इल्यूमिनेट होता है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल, अडास के कंट्रोल आपको सारे यहाँ मिल जाते हैं, लेन असिस्ट, आपका फ्रंट वार्निंग कोलिजन, सब एडजस्ट करने के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरे आपके जो इसका म्यूजिक सिस्टम है जो नेक्सॉन में भी ऑफर करते थे, 12.5 साइज में बोल रहा हूँ, पर सबसे लार्ज साइज वाला जो है वही वाला ये ऑफर कर रहे हैं, कर्व .EV में, टॉप एंड वेरिएंट में भी उसके कंट्रोल आपके यहाँ है। ये इसका स्पीडोमीटर है जिसमें आपको 203 की रेंज अभी ये दिखा रहा है, और बैटरी की चार्जिंग कितनी है आपकी, किधर है ये 64% नीचे दिखा रहा है। ठीक है, तो 64% 420 किलोमीटर ये चल चुकी है, एक बार देखें थोड़ा सा, एनर्जी फ्लो ऐसे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। बाकी वही है जो नेक्सॉन में ऑफर कर रहे थे, काफ़ी और फीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं अडास की वजह से, बाकी लेवल 1 रीजन ऑन है, बाकी कंट्रोल्स वगैरह आप देख ही सकते हो। डिस्प्ले वही है बिल्कुल सेम जो पहले ऑफर होती थी, ऊपर आपको 3 सीट बेल्ट यानी कि सारे पैसेंजर्स पीछे की सबकी सीट बेल्ट की इसमें वार्निंग भी आएगी, वो इसी के अंदर आ गई है। अब ये हो गया इसका म्यूजिक सिस्टम, सेम जो पहले आता था नेक्सॉन के अंदर वही है। नीचे आपको मिल जाते हैं 2 इसके एसी वेंट्स, और इसके नीचे आपको मिल जाते हैं इसके एसी कंट्रोल्स जो नेक्सॉन में आ गए थे और इसमें भी आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, वही सेम आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आपको इसका चार्जिंग का ओपन करने का मिल जाता है, ओपन और क्लोज करने का, चार्जिंग से हटाने तो ये वाला है, लगाने तो ये, लाइट्स का कंट्रोल सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स वगैरह, रियर एसी, मैक्स, सब कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बार रोक देता हूँ, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट, और एक आपको USB पोर्ट मिल जाता है इससे कनेक्ट करने के लिए, वायर्ड एपर शायद इसमें वायर्ड है, और बाकी आप इससे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें इसका गियर नॉब, जिसमें आपको ड्राइव न्यूट्रल पार्क आपका पूरा गियर नॉब, लैंड रोवर वाला बोलते हैं लोग वही वाला, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें ड्राइव मोड, सिटी, इको, स्पोर्ट्स, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, ये ऑटो होल्ड, और चाबी की बात करें कसम से भाई साहब मज़ा आ गया चाबी पकड़ के, क्योंकि बटन्स की फील भी ना ये नहीं है, बटन्स के लिए अलग से इन्होंने पूरा वो बनाया है, कुछ नहीं है, ये सब प्रेस करना टच टाइप ही हो गया बिल्कुल, वैसे बटन है लेकिन लगेगा नहीं इसमें बटन कंपनी ने दिए हैं। आप जैसे अभी देखो ना सेक्शन कटे हुए नहीं हैं बिल्कुल, सब एक ही है, बस आप प्रेस करो वही वाला बटन चलेगा, और चाबी का वेट और लुक बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका वायरलेस चार्जर, इस पर वैसे रखती नहीं है चाबी, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये इसका हैंड रेस्ट जिसमें आपको थोड़ी सी सामान रखने की जगह मिल जाती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है पर ठीक है। तो ये वायरलेस चार्जर आ गया, पूरा सेंटर कंसोल आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, यहाँ मिलता है इसके आपको इसका ग्लव बॉक्स, भाई ग्लव बॉक्स में टाटा के क्या ही कहने, बहुत बड़ा है। ठीक है, इनर रूम मिरर आपको इसमें ऑटोमेटिक मिलता है, रूफ पे आपको इसमें आपको मिल जाती हैं इसकी फ्रंट के आपको रीडिंग लैंप्स LED, और ये सनरूफ का कंट्रोल, और मेटल में बटन दिया है इस बार जो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। तो ये हो गया इसका पैनोरामिक सनरूफ। ठीक है, इसको कर देते हैं अब बंद। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे SOS और रोड के कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड आपको मेंटी मिरर नहीं मिलता,
पैसेंजर साइड आपको मिल जाता है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और जितने सारे ट्रैक्शन कंट्रोल, ईबीएस, ईवीडी सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। 6 एयरबैग्स फ्रंट 2, साइड 2 और सीट्स में 2, बी पिलर पे 2 और सीट्स में वो 4 हो गए, फ्रंट के 2 हो गए, 6। ये हो गया पूरा फ्रंट का। अब आपको इसमें एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, जो आपको मैं थोड़ी सी दिखाऊंगा, धूप बहुत है, बाकी ये पूरी एम्बिएंट लाइट है, इधर हल्की फुल्की आपको दिखेगी। और ऐसे ही आपको रूफ के अंदर भी ये मिल जाती है, जैसे अभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट की बात हो गई पूरी। काफ़ी इसके फीचर्स और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज वाली वीडियो में आपको खाली गाड़ी दिखाएंगे अच्छे से। और JBL स्पीकर मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं रेट शीट्स पे, आपको रेट से दिखाते हैं गाड़ी की लुक और हेडरूम वगैरह। तो ये है इसका रेयर डोर, जिसमें आपको नीचे JBL की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे JBL का स्पीकर है, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे, क्रोम डोर हैंडल, फुल पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे आपको पावर डोर कंट्रोल, अब मैंने सीट आगे वाली पूरी पीछे कर दी थी और बैक अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई थी। अब आपको मैं लेग रूम दिखाऊं, तो मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, 5'5" के अराउंड ही है, तो उस हिसाब से आप देखो तो लेग रूम बस बचा ही हुआ है और अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। हेड रूम आप लेके चलो ठीक है, क्योंकि कंपनी ने इसमें ऊपर यहाँ पे आपको आर्क दे दिया, जिससे हेड रूम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। और ये एम्बिएंट लाइट रात को जो इसमें चार चांद लगाएगी इंटीरियर के ऊपर, वो जो ले रहा है ना इस गाड़ी को, उसे ही पता चलेगा। आगे आप रेयर से इसके डैशबोर्ड की लुक चेकआउट कर ही सकते हो। रेयर में आपको कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है। 45 वोल्ट का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपने लैपटॉप वगैरह चार्ज कर पाओगे। रेयर की मैंने पूरी बात दिखा दी आपको। फ्रंट की दोनों आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, रेयर में आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, पर वो टेक्सचर ज़रूर मिल जाता है जो कंपनी ऑफर करती है आगे। और रेयर डोर्स मैंने आपको दिखा दिए। रेयर की और बात करें हेडरेस्ट के, फ्रंट के दोनों एडजस्टेबल हैं, रेयर के दोनों भी एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, जिसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन भी मिल जाता है इसमें आपको, जैसे आपको जैसे आपको करनी हो फुल आप वैसे कर सकते हो। आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है जी, मैं आपको इसका बूट खोल के दिखाता हूँ। तो ऐसे ये ब्लिंक करेगा और अब इसका बूट खुल गया। ये बूट में आपको इसमें 5 लीटर मिल जाती है, 500 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस भी मिल जाता है। यहाँ से आप इसको गाड़ी टाइप जैसे चार्ज करनी हो, कार टू कार, हाईवे पे कोई गाड़ी बंद होगी, आपकी बंद हो गई या किसी ने आपकी हेल्प करी है, तो आप वो यहाँ से कर पाओगे कार टू कार चार्ज। पर लेकिन उसके लिए एक चीज़ है, आपको गाड़ी की, आपकी गाड़ी की बैटरी मिनिमम 30% तो होनी चाहिए उस सामने वाली गाड़ी को चार्ज करने के लिए, वरना वो नहीं हो पाएगी। JBL का आपको यहाँ पे सबवूफर मिल जाता है। इसका चार्जर है जो बिल्कुल वो फास्ट चार्जर होता है वो वाला, इसके अंदर आप यहाँ थोड़ा सामान रख सकते हो। ऐसी आगे बैटरी के ऊपर भी कंपनी ने दी हुई है जगह, और ऐसे यहाँ पे आपको दो तरफ, एक चारों तरफ आपको दो हुक मिल जाएंगे, दोनों तरफ 4 हुक मिलेंगे 1-1 किलो के चार्जिंग के लिए। और ये इसका नॉर्मल चार्जर हो गया। 500 लीटर बूट स्पेस आने आपको बताई दी, 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक, ये इसका टेल गेट, ऐसे आप इसे कर सकते हो बंद। अब रेयर से आप इसकी लाइट्स का वैसे ही चेक कर सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको इसका फटाफट बोनट और खोल के दिखाता हूँ, और आपको दिखाते हैं इसकी बैटरी की, बैटरी के पास सारी डिटेल्स भी आपको वहीं बता देते हैं। चलो पहले खोल लेता हूँ, फिर मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। और ये वाइट कलर है Curvv का, टॉप एंड वेरिएंट का, आप ऐसे कुछ इसकी लुक है। तो ये इसकी बैटरी है, यहाँ पे आपको थोड़ी सामान रखने की जगह भी मिल जाती है, विस्की की बोतल छुपाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप, और इसकी जो टॉप एंड वेरिएंट में 55 किलोवाट्स है, इससे नीचे वाले 45 है। यहाँ इसका चार्जिंग पोर्ट है, और बाकी इस वेरिएंट का आपको प्राइस मैं बता देता हूँ। टॉप एंड वेरिएंट का आपको प्राइस मिलेगा जो, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये है आपका Curvv Empowered Plus A 55, एक्सशोरूम है 21,99,000, ऑन रोड ये आ जाता है 23,60,000। गुड़गांव में ये है, और फरीदाबाद के लिए 2-4 हज़ार ऊपर नीचे ज़रूर हो जाएगा, बाकी दिल्ली NCR मोटा मोटी यही रहेगा। दिल्ली में अगर सब्सिडी वगैरह होगी तो उससे कम हो जाएगा थोड़ा, और बाकी और वेरिएंट्स के प्राइस आप देख ही सकते हो। जैसे जैसे और वेरिएंट्स आएंगे उनकी वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेंगी मेरे चैनल पर, उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और
इलेक्ट्रिक टेलगेट, आपको लाइट्स ऑन करके मैं अभी क्या ही दिखाऊँ, ऑन दिखेंगे ही नहीं। अभी रेयर से मैंने आपको आइडिया दे दिया लाइट्स का, और यही थी आज की वीडियो। वीडियो आप कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बता सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।